नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग फिलहाल हैं अपने प्रयागराज के रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ ऑफिस के बाहर, जहां पे रेलवे का डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है। देखिए पीछे ऑफिस है और स्टूडेंट यानी कि कैंडिडेट लोग यहां पे अंदर सुबह में गए हैं और अभी बाहर बारी बारी से निकल रहे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि रेलवे का डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है। यहां पे मौजूद एक छात्र हैं, एक कैंडिडेट हैं, तो इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है रेलवे का। उसके बाद मेडिकल का तो अगले पार्ट में हो सकता है बताएंगे। तो आइए सर, बताइए हमारे दर्शकों को डीवी में क्या क्या होता है रेलवे के, ग्रुप डी के। जी भैया, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने हमें जानकारी शेयर करने के लिए ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। तो सबसे पहले हम सुबह मॉर्निंग में 8:30 बजे हमारी इंट्री थी, तो इंट्री से पहले हमें एक फॉर्म दिया गया। उस फॉर्म को लेकर जाकर हम टिकट लाना था 16 रुपए का। वो 16 रुपए मेडिकल जो होता है उसका चार्ज था। तो हम प्लेटफॉर्म से 16 रुपए का टिकट लाए, फिर उसके बाद हमारी एंट्री हुई और फिर उसके बाद एक 5 पेज दिए गए। 5 पेज में हमें ये भरना था, घोषणा पत्र था और तमाम प्रकार की चीज उनको हम फिलअप किए। उसके बाद हमारा फिंगर मैच कराया गया, नाम मैच कराया गया और फोटो लिया गया। फिर उसके बाद 3 से 4 घंटे हमें बैठाया गया। फिर और अलग प्रोसेस थे कि उसमें फिर से हमारा मैच कराया गया, फोटो और वेरिफिकेशन हुआ। फिर हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक किया गया और जो 16 रुपए का टिकट था उसको हम पंच करके फिर वो अगले अधिकारी को दिया गया और वो जो 16 रुपए का टिकट था उसका और ये मेडिकल जो अगला प्रोसेस हमारा मेडिकल है मेडिकल में पंच करके दिए। और फिर उसके बाद हमारा जो कट ऑफ मार्क्स जो फॉर्म भरते समय हम फिलअप किए थे, कट ऑफ मार्क्स दिया गया और दिखाया गया कि कहाँ कट ऑफ मार्क्स है, हमने दिखाया। उसके बाद हम मतलब वेरीफाइड करने के बाद फिंगर मैच कराया, फिर उसके बाद हमारा फाइनल हुआ और मेडिकल का डेट नेक्स्ट डे दिया गया है। यानी कि आप मेडिकल के लिए एलिजिबल हो गए हैं। जी सर। तो सुबह आप कितने बजे एंट्री किए हैं? सुबह सर डीवी वेरिफिकेशन के लिए 8:30 बजे एंट्री हुई थी सर। तो अभी मतलब कितने बजे? 5:00 बज रहे हैं लगभग 5 बजे सर। तो दोस्तों ये सुबह 8:30 बजे एंट्री किए हैं और रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ में डीवी के लिए और अभी 5 बजे वापस हो रहे हैं वेरिफिकेशन। और आप एग्जाम वगैरह तो क्वालिफाई हो गए हैं? जी सर। और फिजिकल भी क्वालिफाई हो गए, उसके बाद ये डीवी का अब मेडिकल के लिए जाएंगे। मेडिकल तो मेडिकल भी 1-2 दिन में आपका होगा? जी सर, मेडिकल नेक्स्ट डे है सर। नेक्स्ट डे इनका मेडिकल है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो में बस यही हम समाप्त करते हैं। बाकी भाई को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे जो कि ये डीवी करा के आप सबको ये जानकारी उपलब्ध कराएं। और ये इनका ये फाइल वगैरह है, ये अभी करा के वापस आ रहे हैं और ये पीछे रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ ये ऑफिस है, यही है ना सर? जी यही है, यही पे है दोस्तों। तो यही दोस्तों ये सब निकले हैं, ये सब देखिए अभी स्टूडेंट लोग निकल रहे हैं, देखिए बारी बारी से सब लोग निकल रहे हैं, देख सकते हैं। और इधर ये देखिए वाल्मीकि चौराहा है, इधर ये वाल्मीकि चौराहा है, यहीं से आना पड़ता है रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ और जो कि नवाब यूसुफ रोड है ये वाला, और यहीं से हाई कोर्ट रोड चला जाएगा सीधे जाएंगे तो, और इधर लेफ्ट पानी टंकी और नवाब यूसुफ रोड है ये दोस्तों। तो वाल्मीकि चौराहा से दोस्तों लगभग 100-200 मीटर की दूरी पर है रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ जहाँ पे डीवी हो रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।